हाँ जी नमस्कार, माई सेल्फ दिनेश नैन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर, जहां हम पढ़ रहे हैं भाई आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे CABL, अगर आपको याद हो, केवल क्लासिकल अरेनियस ब्रॉन्सटेड लोरी एंड लिविस कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम जो कॉन्सेप्ट प्लस वन टू के लिए हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये आगे आने वाली क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि अपने पास लक्स कैडी कॉन्सेप्ट हो गया, कैडी का लक्स फ्लड आता है, एंड लक्स फ्लड सबसे लास्ट आता है उषा नॉविच कॉन्सेप्ट। आज इन तीन ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो एसिड एंड बेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं पहले कैडी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। आप कैडी कॉन्सेप्ट, ये इसको हम और सोलवेंट इफेक्ट कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, सोलवेंट इफेक्ट कॉन्सेप्ट एक ही बात है। तो कैडी ने एसिड एंड बेस को डिफ्रेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्फ आयनाइजेशन, या फिर बोलो कि सेल्फ डिसोसिएशन प्रॉपर्टीज के ऊपर। सेल्फ डिसोसिएशन या सेल्फ आयनाइजेशन क्या होता है? जैसे कि अपने पास मान लो H2O है, ठीक है। जब ये सेल्फ आयनाइजेशन होगा, ये सेल्फ डिसोसिएशन होगा, तो H2O के मॉलिक्यूल अपने पास H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव स्पीसीज देंगे। इसका क्या है? सेल्फ आयनाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब सेल्फ आयनाइजेशन के अंदर देखो, एक तो इसने कैटायनिक चीज दी और एक इसने हमें एनायनिक चीज दी। हमारे पास दो चीजें, एक तो कैटायनिक प्रॉपर्टीज आ गई अपने पास, कैटायनिक स्पीसीज मुझे मिली, एंड नेक्स्ट वन इज अनायनिक, एनायनिक स्पीसीज हमें देखने को मिली, ठीक है। सेल्फ डिसोसिएशन हो गया, सेल्फ आयनाइजेशन बोलो, ठीक है। दोनों इंटरलेटेड टर्म्स है, हम यूज कर सकते हैं, हालांकि दोनों का डिफरेंस अलग होता है। इलेक्ट्रो के अंदर डीपली समझेंगे कि भाई आयनाइजेशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। यहां पर मैं दोनों का इंटरकन्वर्ट यूज कर ले रहा हूं। NH3 का इक्विलिब्रियम के अंदर चला गया NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। इसने भी क्या किया? सेम हमें दो स्पीशीज दी, कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीशीज, ठीक है। इसी के ऊपर जो अपने पास कैडी थे, कैडी भाई साहब थे, ठीक है, कैडी इनटू कैंडी, वही कैडी। तो कैडी ने कहा कि भाई एसिड वो होंगे जो इंक्रीज दी कैटायनिक स्पीशीज इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूशन के अंदर कैटायनिक स्पीसीज बढ़ाएं वो एसिड कहलाएंगे, और जो एनायनिक स्पीसीज बढ़ाएं, इंक्रीज एनायनिक स्पीसीज इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो एनायनिक स्पीसीज बढ़ाएं वो अपने पास क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। ना तो इसने एच पॉजिटिव के बारे में कहा, ना OH नेगेटिव के बारे में कहा, ना ही इसने इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के बारे में ऐसा कोई कंसेप्ट कहा, ठीक है। तो मतलब अब हमें एसिड एंड बेस को जो है पता करना थोड़ा और ज्यादा इजी हो गया। मतलब एमोनिया है, NH3 है, NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव दोनों स्पीशीज दे सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हम किसके साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो स्पीशीज सोल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी इनमें से, तो वे उसी की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं अपने पास, ठीक है, एमोनिया वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सेल्फ डिसोसिएशन इसका यही होगा, ये सेल्फ डिसोसिएशन है। ओके, अब सेल्फ डिसोसिएशन होगा, अब ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह बिहेव कर सकता है। एसिड की तरह अगर मैं बिहेव की बात करूं, मेरे पास मान लो कोई स्पीसीज NH4OH, ठीक है, NH4OH। अब इसका जब डिसोसिएशन होगा, ये देगा हमें, ये देगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसने क्या किया? सॉल्यूशन के अंदर NH4 कैटायनिक स्पीसीज को बढ़ाया, और जो कैटायनिक स्पीसीज को बढ़ाते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो कैटायनिक स्पीसीज को बढ़ाएंगे वो एसिड कहलाएंगे। अब इसका बेस का एग्जांपल देखो, मेरे पास KNH2 है, ठीक है, बेस की तरह कैसे एक्ट कर रहा है। अब यहां पर K पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव के ऊपर सेल्फ डिसोसिएशन पे देखो, NH4 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा। ये NH2 नेगेटिव स्पीसीज बढ़ा रहा है, मतलब एनायनिक स्पीसीज बढ़ा रहा है, और एनायनिक स्पीसीज बढ़ाएगा तो क्या होता है? बेस। तो यहां पर
एन एच टू अपना बेस की तरह अफेक्ट करेगा और NH4OH एज ए एसिड की तरह अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से HOH का कोई लेना देना नहीं है। हमने कहां से देखा कि भाई कैटायनिक स्पीसीज बढ़ाएगा या एनायनिक स्पीसीज बढ़ाएगा, ये हमारे कैडी भाई साहब बोल रहे थे, कैडी भाई साहब। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल मैं SO2 का लेके चलता हूं। SO2 भी ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेल्फ डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा, सेल्फ डिसोसिएशन किसका करवाना भाई, SO2 का। तो 2 SO2 लेके चलने हैं हमें, पुटिंग किसके अंदर, SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ऐसे ही टूटेंगे। ठीक है, SO2 पॉजिटिव के अंदर, सॉरी SO2 पॉजिटिव के अंदर टूटेगा एंड SO3 2 नेगेटिव के अंदर, ये 2 नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। ओके, हाँ इनका सेल्फ डिसोसिएशन ऐसे होगा। ठीक है, अब ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, जब सॉल्यूशन के अंदर ये स्पीसीज बढ़े तो क्या होगा, एसिड होगा, और जब ये वाली स्पीसीज बढ़े वो एक्ट करेगा एज ए बेस। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, SOCl2, SOCl2 जब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, SO2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इसने क्या बढ़ाया, SO2 पॉजिटिव, मतलब कैटायनिक स्पीसीज को बढ़ाया, और कैटायनिक स्पीसीज बढ़ाने वाले एसिड होते हैं, तो यहां पर ही एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, Na2SO3, ये देखिए इसका जब डिसोसिएशन करवाएंगे, 2 Na पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये मिलेगा, इसने क्या बढ़ाया, SO3 2 नेगेटिव, मतलब एनायनिक स्पीसीज को बढ़ाया सॉल्यूशन के अंदर, और जब एनायनिक स्पीसीज है उसको बढ़ाएगा वो क्या कहलाएगा भाई, वो बेस कहलाएगा। ये केडी कंसेप्ट था। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, एस पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव देखने को जरूरत नहीं, तो काफी एडवांस ये जो है अपने पास कंसेप्ट था केडी का। इसके बाद लक्स फ्लड आता है, केडी के बाद हम बात करेंगे लक्स फ्लड कंसेप्ट की। ओके, चलिए ये हो गए बेस इधर। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब इन्होंने जो है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करी थी। अब देखो पीछे हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे आ रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली थी, एच पॉजिटिव के बारे में, ठीक है, OH नेगेटिव के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, RNS था, दोनों के बारे में बात करता था, ब्रॉन्ज शीट था, एक कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के बारे में कर, लियोस इलेक्ट्रॉन्स की बात करा था, लेकिन हमने अभी तक ऑक्सीजन की बात नहीं करी, तो इनके लिए अब हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। भाई ऑक्सीजन कैसे डिफाइन कर सकता है एसिड एंड बेस को, देखिए एस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आंकड़ा बिल्कुल 36 का है। 36 का मतलब अगर ऑक्सीजन इस साइड जाएगा तो हाइड्रोजन भाई इस साइड चला जाएगा, वो उसके साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल अपोजिट चलते हैं हमेशा ही। तो एसिड क्या थे, एच पॉजिटिव डोनेट करते थे। ठीक है, तो जो ऑक्साइड आयन को अब एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड कहलाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन। ठीक है, और फिर ये जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बेसिस की प्रॉपर्टीज उनकी अपोजिट होती है, कि क्या करेंगे, डोनेट ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन को डोनेट करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। ठीक, तो एक बात तो यह होगी, ऑक्साइड एक्सेप्टर बोल सकते हैं और इनको हम ऑक्साइड डोनर बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए एसिड प्लस ओ टू, ये बनाएंगे हमारे पास एसिड प्लस ओ टू नेगेटिव। ठीक है, जब इन्होंने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया तो ये बनाते हैं भाई बेस। ठीक है, तो बना लेंगे बेस, बना लेंगे वही कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, उसी को थोड़ा सा अब ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके हमने लिखना है, लेकिन बेस क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो बेस जब डोनेट कर देंगे ओ टू नेगेटिव प्लस एसिड हमें दे देंगे। ठीक है जी, ये उसके बेस की बात हो जाएगी। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं उसानोविस कॉन्सेप्ट, उसानोविस क्या कहते हैं जी।
उषा और इसने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े ना सभी को मिक्स कर दिया। बहुत स्मार्ट थे उषा नोविस। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इसने क्या किया, जितने भी कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं सभी को मिक्सअप कर दिया उषा नोविस। क्या कहते हैं कि ये एसिड होते हैं रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, रिएक्ट विद बेस, और ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी ये तो, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ते हैं कि क्या जो एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, ठीक है। ये क्या देते हैं एसिड, गिव अप कैटायन, ये कैटायनिक स्पीसीज देंगे, ठीक है। ये एनायनिक स्पीसीज देंगे, गिव अप एनायन, ये एनायनिक स्पीसीज देंगे, ये कैटायनिक स्पीसीज देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहे थे AA, याद करो पहले बताया था मैंने, एसिड एक्सेप्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी कंसेप्ट पीछे पड़े उन सभी को मिक्सअप कर दिया और ये उषा नोविस जो है अपने पास एक अलग से कंसेप्ट दे दिया, जैसे कि HCl प्लस NaOH। HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास NaCl प्लस H2O वाटर बनता है, ठीक है। तो ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट है, वाटर बन जाएगा। और सर इसने बताया, ठीक है, मुझे बताया क्या आपने सभी का समअप करके अपनी एक थ्योरी इसने दे दी। तो ये एसिड एंड बेस के कुछ कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। लगभग लगभग हमने 4 और 3 सात कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, स्टार्टिंग से क्लासिकल से लेके क्लासिकल, अरहेनियस, ब्रॉन्सेट लोरी, ल्यूविस, कैडी, लक्सफ्लड, उषा नोविस। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए कि कैसे एसिड एंड बेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।